माशाल्लाह मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम ही मैंने काम किया था उस वक्त से लोगों ने बहुत मेरे काम को सराहा। उन्होंने कहा कि वाकई आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कारीगर बन सकती हो, आप आगे से आगे सीखो इस काम को, आपका इस काम में बहुत हाथ जो है साफ है। तो माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ, डिज़ाइनिंग का काम, पेंटिंग का काम, डॉल पॉलिशिंग का काम, तो माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे काम को। हमारा जो हवाई रोटी वाला हिसाब होता है, पहली बात तो ये है कि हम लोग जब काम देखने जाते हैं तो हमें उस काम का रेट मुनासिब नहीं मिलता, तो इस वजह से कभी कम कमा लेते हैं, कभी ज़्यादा। इसमें कोई जो है ना एक लिमिट होती है कि इतना ही कमाना है, इस हिसाब से नहीं होता। तो ये है कि 600-700 रुपया दिहाड़ी पड़ जाती है। लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छे इंसान भी होते हैं, दुनिया में बुरे इंसान भी होते हैं, तो जो लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों से खुद ही जो है ना हम पीछे हट जाते हैं। पता है कि एक इंसान ने हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है तो हम अपने आप को खुद ही पीछे कर लेते हैं, खुद को ठीक रखते हैं, कोई डिस्टर्ब करता है तो करता है। अपने बाबा का बेटा का बन के काम कर रही हूँ और मेरे बाबा इस बात से बहुत फख्र महसूस करते हैं कि मैंने आज तक कभी अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने बाबा के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चली हूँ और आइंदा ज़िंदगी में भी मैं बाबा के साथ ऐसे ही चलती रहूँगी। जो ख्वातीन घर में बैठकर जो है अपने घर के हालात से तंग आई हुई हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने आप में कोई काबिलियत पैदा करें और बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपना मेहनत करें, बाहर निकलें अपने लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इससे आपको इज्जत भी मिलती है और अपने घर का आप खुद जो है निज़ाम भी चला सकते हैं।